हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को रोहतक में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर को पशुधन योजना के तहत लोन ना देने पर सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं। रोहतक के लाहली गांव वासियों ने जनवरी महीने में शिकायत दी थी कि सितंबर 2019 में उन्होंने पशुपालन व डेयरी विभाग में अनुसूचित जाति व रोजगार सृजन योजना के तहत पशुधन के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के तहत मिलने वाली अनुदान राशि गांव के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आई हुई है, लेकिन बैंक ने वह राशि नहीं दी। इस शिकायत पर एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई गई थी, जिसे देखना था कि यह लोन की राशि क्यों नहीं दी गई। गुरुवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक में एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि लोन दिया जा सकता था। इतना कहते ही विज ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री विज से पूछा गया कि पूर्व सीएम हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। इस पर विज ने जवाब देते हुए कहा कि हुड्डा साहब को डिप्रेशन हो गया है। जिस आदमी को यह हो जाता है उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, उनके डिप्रेशन का इलाज करवाना चाहिए, जो रोहतक में ही हो जाएगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।